इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इसी बीच। एक और आपको बता दें, इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट, रेणु भाटिया का एक विवादित बयान सामने आया है और लड़कियों को लेकर रेणु भाटिया ने विवादित बयान दिया है। रेणु भाटिया का कहना है कि ओयो में आरती करने नहीं जाती हैं लड़कियां, तो इस तरह का विवादित बयान दिया है। और ऐसे जगह पर जाते समय ध्यान रखें, ऐसा रेणु भाटिया ने विवादित बयान दिया है। और उनका कहना है कि लड़कियां बाबू सोना वाली बातों में ना फंसें और ऐसी जगह जाते समय ध्यान रखें। तो ओयो में आरती करने नहीं जाती लड़कियां, इस तरह का बयान दिया है रेणु भाटिया ने। और ऐसी जगह जाते समय खास ध्यान रखें। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है लड़कियों को लेकर। और उन्होंने कहा है कि ओयो में लड़कियां आरती करने नहीं जाती हैं, तो ऐसी जगहों पर जाते वक्त विशेष ध्यान रखें, किसी भी तरह की गलत चीज में ना फंसें। और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन है भाटिया, जिन्होंने इस तरह का विवादित बयान दिया है। और इस विवादित बयान पर प्रतिक्रियाएं सामने आना भी शुरू हो गई हैं। और बताना चाहेंगे कि लड़कियों को लेकर रेणु भाटिया का विवादित बयान, लगी हमारी दोस्ती हो गई और एक दिन वो ऐसे मुझे एक होटल में ले गया, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में क्या पिलाया, तो उसने मेरे साथ बुरा कर्म किया और मेरी वीडियो बनाई और अब वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। ये बड़ा कॉमन बात हो गई। और गर्ल्स को भी यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं। हम जब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ मित्रता में बुरा भी हो सकता है, हमें सोचना चाहिए।